लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। इस फेज में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 102 सीटों में 26 सीटें ऐसी भी हैं जहां से दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इसमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर पीलीभीत से योगी सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद तक शामिल हैं। यहां आपको बता रहे हैं उन दिग्गज नेताओं के बारे में जिनकी किस्मत पर आज मतदाता अपनी वोट की मुहर लगा चुके हैं। पहले फेज में मैदान में दिग्गज नितिन गडकरी, जो बीजेपी प्रत्याशी नागपुर से हैं। 2019 में गडकरी नागपुर से ही जीते थे। इनका मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से है। इसी तरीके से किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल पश्चिम सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, 2019 में अरुणाचल पश्चिम सीट से जीते थे। मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से है। सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, केंद्र सरकार में आयुष मंत्री हैं। मुकाबला कांग्रेस से सहयोगी दल AGP के उम्मीदवार से है। इसी तरीके से जितेंद्र सिंह उधमपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 2019 में भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर से जीत हासिल की थी। मुकाबला कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह से है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल 2019 में बीकानेर से जीते थे। इनका मुकाबला कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल से है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत से है। संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2019 में मुजफ्फरनगर से जीते थे। इनका मुकाबला सपा से हरेंद्र मलिक और बसपा से दारा सिंह प्रजापति से है। इसी तरीके से इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं, पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अपने बयानों से अक्सर ये विवादों में रहते हैं। पिछले 2 साल में सपा बसपा से होते हुए कांग्रेस में ये वापस आए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2019 में यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते जीते थे। इस बार उनके सामने ओंकार सिंह मरकाम कांग्रेस का चेहरा है। इस तरीके से नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं नकुल। 2019 में छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जीते थे। इनका मुकाबला बीजेपी के विवेक बंटी साहू से है। जितेंद्र प्रसाद, जो कि पीलीभीत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जितेंद्र प्रसाद मंत्री हैं। मुकाबला सपा के भगवत सरन गंगवार और बसपा के अनीस अहमद खान से है। कीर्ति चिदम्बरम, जो कि शिवगंगा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्ति। 2019 में इस सीट से कार्ति चिदम्बरम सांसद बने थे। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर देवनाथन यादव से है। भूपेंद्र यादव, जो कि अलवर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भूपेंद्र यादव का मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव से है। इस तरीके से प्रताप सिंह खाच रियावास, जो कि जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री थे। प्रताप सिंह खाच रियावास का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा से है। दयानिधि मारन चेन्नई मध्य से द्रमुक के उम्मीदवार हैं। 2019 में इस सीट पर दयानिधि मारन सांसद निर्वाचित हुए थे। इनका मुकाबला बीजेपी के विनोज पी सेल्वम और DMK के बी पार्थ सारथी से है। विप्लव कुमार देव, जो कि त्रिपुरा पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 2019 में यहां बीजेपी की प्रतिमा भौमिकी जीती थी। इनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष कुमार साहा से है। वहीं पहले चरण में जिन राज्यों में वोटिंग की जा रही है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और सिक्किम शामिल हैं। साथ ही साथ त्रिपुरा भी इसमें शामिल है। दरअसल शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। श्रेष्ठ भारत भी आपसे देश के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील करता है, ताकि आप भी देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। तो जाइए और अपने मत का इस्तेमाल करें और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को संसद तक पहुंचाइए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।